पिताजी ने बोला है कि जल्द ही हमें जंगल से लौटना है, लेकिन ये तो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। मैं तो कहता हूँ जंगल वापस चलते हैं भाई। अरे ध्रुव भाई, अब तो थोड़ी ही दूर का सफर बचा है और जल्द ही हम पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चलते हैं और पिताजी का बताया हुआ काम करके जल्दी से वापस आते हैं। रघु और ध्रुव दोनों भाई नदी का रास्ता पार करते हुए एक खजाने की गुफा के पास पहुँचते हैं। अरे भाई ये क्या, गुफा तो खाली है, सारा खजाना कहाँ गया? मैं क्या बताऊँ कहाँ गया, मैं भी अभी तुम्हारे साथ साथ आया हूँ। चलो जल्दी से जाकर पिताजी को इसकी खबर देते हैं भैया। अब वो दोनों भाई तेज बारिश से जूझते हुए अपने जंगल वापस आते हैं और राजा बलविंदर शेर को सारे खजाने की जानकारी देते हैं। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? उस गुफा के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बलविंदर शेर ये सब सुनकर बहुत परेशान था और वो वापस से उस गुफा के पास जाता है और वहाँ जाकर वो भी गुफा को खाली ही पाता है। ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी बरसों की कमाई हुई संपत्ति एक पल में चली गई। अब बलविंदर शेर निराश होकर जंगल में आता है, तभी तेज आंधी तूफान के चलते एक पेड़ टूटकर राजा शेर के ऊपर गिरता है, जिसके नीचे राजा बलविंदर दब जाता है और वह बहुत घायल हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। उसी समय बाला बाघ भी तेज बारिश से बचता हुआ वहाँ से भागता हुआ चला जा रहा था। बाला बाघ जब राजा शेर को वहाँ पेड़ से दबा देता है तो वो उसे दौड़कर उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालता है और उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचता है। सुबह होती है और राजा बलविंदर शेर भी होश में आ जाता है। अब राजा बलविंदर शेर बाला बाघ से बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाला बाघ, अगर कल तुम न आते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना बच पाता। तुम मेरे लिए एक भगवान का अवतार बनकर आए हो और तुमने मेरी जान बचाई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर मेरी हवेली में रहो और मेरे सच्चे मित्र बनकर हमेशा मेरा साथ निभाओ। अब राजा बलविंदर शेर बाला बाघ को लेकर अपनी गुफा में आता है और अपने बेटों को आकर सारी बात बताता है। पिताजी हम कल से कितने परेशान थे और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्रिया बाघ अंकल, आपने हमारी मदद की और हमारे पिता की जान बचाई। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था और ये सब मैं कर सकता था, इसीलिए मैंने कर दिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ध्रुव और रघु बेटा, मैं तुम्हें बताना भी भूल गया, आज से बाघ अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे इन्होंने हमारी मदद की, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें, इसीलिए मुझे ये सब ठीक लगा और मैंने बाला बाघ को हमारे साथ रहने को बोल दिया। ठीक है पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। अब बाला बाघ राजा बलविंदर शेर का मंत्री बनकर उनके साथ ही हवेली में रहने लगता है। अगली सुबह होती है और बाला बाघ राजा बलविंदर शेर से बोलता है, महाराज मैं आपको कल से देख रहा हूँ, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है आखिर, आप मुझे बता सकते हैं महाराज? बाघ भाई क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी बरसों की मेहनत को किसी ने एक पल में ही खाली कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्या महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे खुलकर बताएं। बाला भाई ना जाने किसने मेरा सारा खजाना लूट लिया और मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता है, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। महाराज कहीं आपका कोई दुश्मन तो नहीं, मुझे तो लगता है कि उसी ने ये सब करा होगा। अब राजा बलविंदर शेर अपनी सालों पुरानी दुश्मन याद करता है और वह बाला बाघ को उसके बारे में बताता है। आज से 10 साल पहले मेरा एक झगड़ा हुआ था, वो भी मेरे सच्चे मित्र से। तब भी मैं ऐसे ही बद्रीपुर जंगल का राजा था और मेरा एक बाघ दोस्त था जिससे मेरी बचपन की गहरी दोस्ती थी। सभी जंगल वासी हम दोनों की दोस्ती की मिसालें देते थे, लेकिन एक दिन उसे ना जाने क्या हो गया और उसके मन में लालच आ गया और उसने मुझसे बोला, बलविंदर भाई कल मैं गोदावर जंगल गया था
और वहाँ के राजा शेर ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है और उन्होंने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया है। शायद उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन बद्री भाई, मैं कैसे जा सकता हूँ? शेरनी माँ बनने वाली है और उसे किसी भी टाइम मेरी जरूरत पड़ सकती है। फिर मैं कैसे जाऊँ? तुम जाकर अपने आप से पता कराओ। बलविंदर मेरे दोस्त, मैंने राजा शेर को पहले ही ये सब बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया और उन्होंने आपको ही बुलाया है। और तुम रानी शेरनी की फिक्र क्यों करते हो? उनके लिए मैं हूँ, तब तक उनका मैं ख्याल रखूँगा। ऐसा कहने पर मैं वहाँ से चला गया। उसी रात शेरनी भी माँ बन गई और उसने दो बेटों को जन्म दिया। लेकिन इसी बीच उस बद्री ने शेरनी को मार दिया। जब मुझे पता चला कि शेरनी का कातिल कोई और नहीं, खुद मेरा दोस्त है, तो मैंने उसे भी मारना चाहा। लेकिन मेरी दोस्ती फिर बीच में आ गई और मैं उसे मार नहीं पाया और मैंने अपने दुश्मन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने जंगल से बाहर कर दिया। अब मुझे लगता है कि शायद उसने ही ये सब किया होगा, वरना और किसी से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी तो उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरा जिगरी यार था, मैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। बाला बाघ जब यह सब सुनता है तो वो बिना कुछ बोले जंगल में चला जाता है और पूरा दिन वो परेशानी में इधर उधर भटकता है। अगली सुबह होती है और बाला बाघ फिर से राजा बलविंदर शेर के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब बोलकर बाला बाघ अपने असली रूप में आता है। असल में बाला बाघ एक दूसरी खाल पहनकर राजा बलविंदर शेर के पास आया था और अब की बार उसका प्लान था शेर के पूरे परिवार को खत्म करके उस पूरे जंगल पर और उसकी हवेली पर राज करने का। और इसी कोशिश में उसने राजा बलविंदर शेर का सारा खजाना भी चुराया था। असल में वही उस खजाने का लुटेरा था। तुम अब फिर से मेरे साथ एक बड़ा धोखा करने वाले थे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने सोचा था कि तुम अब सुधर गए होंगे, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी नफरत भरी थी। बलविंदर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। असल में ये सब मुझसे करवाया गया और मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया। दरअसल जिस दिन तुम गोदावर जंगल गए थे उससे एक दिन पहले मैं चीतों की पहाड़ी गया था। वहाँ के चीते सरदार ने मुझे बताया था। अरे बद्री, तुम आज मेरे पास, खैर तो है। मैंने सुना है तुम दोस्ती पूरे मन से निभा रहे हो। हाँ यार, मेरा दोस्त है इस काबिल, तो फिर क्यों ना निभाऊं? अरे तुम्हें ये गलत फहमी है, कल मैंने उसकी बातें सुन ली थी और वो रानी शेरनी को बोल रहा था कि वो तुम्हें जल्द ही मारकर अपने रास्ते से हटा देगा और फिर पूरे जंगल पर अकेला हुकूमत करेगा। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे लगा कि तुम सच में मुझे मारने वाले हो। और जब कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरा दिल भर आया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हीरे जैसे दोस्त को गलत समझ लिया था। मुझे माफ कर दो शेर दोस्त। बलविंदर शेर जब उन चीतों की चालाकी सुनता है तो वह बद्री को लेकर उनके पास जाता है। जब चीते उन दोनों को एक साथ देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हम आए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी चालाकी से इस जंगल पर हुकूमत कर लोगे? मैंने तुम्हें उस दिन भी वार्न किया था जब तुमने मेरे बेटों को मारने की कोशिश की थी और तब तो तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। क्या इन्होंने इतनी बड़ी हरकत भी की? आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालते हैं और अपने बीच से असल दुश्मनी की दीवार को खत्म करते हैं और फिर से अपने जंगल वापस आते हैं और फिर से सभी जंगल वासियों के सामने अपने फिर से एक साथ होने का ऐलान करते हैं। अब गब्बर शेर के दोनों बेटे भी बहुत खुश थे और सभी जंगलवासी उन दोनों को फिर से जंगल का राजा स्वीकार करते हैं और राजा बलविंदर शेर का सारा खजाना भी वापस आ जाता है।